अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गर्ल्स, ये लुक मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, बट डिटेल लुक मैंने सोचा कि यूट्यूब पे डालनी चाहिए आप लोगों के लिए। साथ कुछ में चिट चैट है, सो आई होप आपको पसंद आएगी आज की लुक और चिट चैट भी। सो सबसे पहले मैंने फेस को हाइड्रेट किया, जो कि मैं हमेशा करती हूँ और आपको भी हमेशा करना है। मेकअप से पहले अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो आपका मेकअप कभी भी इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, मज़े का नहीं लगेगा और आपकी स्किन पे ऐसे लगेगा जस्ट आपने कुछ रखा हुआ। सो स्किन को हाइड्रेट अच्छे से करें। मैंने जो है फेस पे सीरम लगाया है, बिफेब आमना का स्नो ग्लो सीरम, ठीक है, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया इस तरीके से। सो या देन मैं ले रही हूँ ये ओरिफ्लेम का प्राइमर है, 1 का, काफ़ी अच्छा है, विंटर्स के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। विंटर्स में नॉर्मली सबकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, सो जितना अच्छे से आप हाइड्रेट करेंगे उतना मज़े का लगेगा। अच्छा, ब्रश के साथ अगर आप हाइड्रेशन करते हैं, मतलब प्राइमर लगाते हैं ना, उसकी हाइड्रेशन बड़ी मज़े की होती है, और स्पेशली वो प्राइमर जो थोड़े से ग्लोई होते हैं, लाइक इल्यूमिनेटिंग होते हैं, ये प्राइमर भी कुछ ऐसा ही है और काफ़ी अच्छा है। देन मैंने दूसरा प्राइमर लिया है, ये बिफेब आमना का है, ये पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो होते हैं वो पोर्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिनके बड़े बड़े पोर्स हैं उनको चाहिए होता है एक नीट सरफेस अपनी स्किन पे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। एंड देन मैं अपनी आईज़ को थोड़ा सा प्राइम करूँगी। ये मैं ले रही हूँ लशेस का आई एंजल प्राइमर, और ये काफ़ी अच्छा है। और मैं ढूंढ रही हूँ ब्रश किधर गया किधर गया, ब्रश हमेशा जो है वो खो जाते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ गए हैं, सामने पड़े हुए होते हैं, बट यू नो आईब्रोज को फिल इन कर लेते हैं कुछ अच्छा सा। और आईब्रोज के लिए मैंने दो पेंसिल्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, एक है ये रिदा जैन की, मैं बिल्कुल भूल गई थी, रिदा जैन की, और ये लाइट ब्राउन कलर की है, दूसरी जो है वो डार्क ब्राउन की थी और वो थी मेकअप रेवोल्यूशन की। देन हम आईज़ पे आ गए हैं जंप करके फटाफट से, ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो और मेकअप भी इन्जॉय करें देखें। अच्छा, मैं ये अपनी आईलिड के ऊपर एक डार्क ब्राउन सा शेड ले रही हूँ हुदा की ये रीमास्टर पैलेट में से, और ये ब्रशेज जो हैं ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से बाय किए थे और ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बट इसके ब्रिसल्स निकलते हैं, सो वो भी मैंने अभी लास्ट टाइम नोट किया जब ये मेकअप कर रही थी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि ब्रिसल्स क्यों निकल रहे हैं भाई, वाई ओ वाई, और जब इन्वेस्ट किया हो खुद से तो बहुत बुरे लगते हैं भाई। देन मैं ये सिग्मा के ब्रश के ऊपर लाइट कलर ब्राउन ले रही हूँ और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, मुझे अभी ऐसे बिना देखे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि शेड क्या है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो मैंने इसको ब्लेंड आउट कर दिया है और इस तरीके से, ये ब्रश बहुत ज़बरदस्त है और आप सिग्मा के ब्रशेज ज़रूर ट्राई करें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो दीज ब्रशेज आर टू गुड यार, टू गुड, मज़ा आ जाता है। अच्छा, ब्लेंडिंग चेक करें आप कितनी मज़ेदार हो गई है। अब मैंने फ्लैट ब्रश पे ये दो शेड जो है वो मिक्स करके अपनी आईलिड के ऊपर डायरेक्टली लगा रही हूँ। आप कट भी कर सकते हो, बट अगर आपको शिमर अप्लाई करना होता है अपनी आईलिड के ऊपर किसी भी मैट कलर के साथ, तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बट कट का एक अपना ही लुक आता है, हाफ कट क्रीज जो होती है उसका एक अपना ही लुक आता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, बट नेक्स्ट में मैं सोच रही हूँ कि कट क्रीज करूँ। देन मैंने ये सेम पैलेट में से शिमर शेड लिए हैं, दो मिक्स किए हैं, कॉपर एंड पिंक, तो मैंने इन दोनों को जो है मिक्स करके अप्लाई कर लिया है फिंगर के साथ, वाह क्या मज़े की लुक आई है। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, लाइनर मैंने हाफ लगाया है यहाँ पे, बाकी मैंने ऑफ कैमरा लगाया था, आउट कैमरा कहने लगी थी, आज मैं बोल क्या रही हूँ आई डोंट नो, एक्चुअली रिकॉर्डिंग एक ही साथ चल रही है। और ये लाइनर है सिग्मा का, अमेजिंग लाइनर है, आई लव दिस, बट ये अगेन आपको मिलेगा सिग्मा की वेबसाइट से। सो लाइनर देखें आप कितना कमाल का लगाया है। देन मैंने यहाँ पे लिया है अर्बन डिकेयर का ग्लिटर और इसको मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्लिटर लगाने वाली हूँ, मतलब शिमर या ग्लिटर ऐसा कुछ भी लगाना हो तो मैं फिर उसको कट नहीं करती, मैं इसी के साथ वो हाफ कट क्रीज वाला लुक दे दूंगी, बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी लोकल भी ले सकते हो, अब तो बहुत सारे मिलते हैं, हैंग फेंग के, मिस रोज के, इधर के उधर के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये हाई एंड में है तो ये थोड़ा
एक्सपेंसिव है। नहीं जी, यहाँ पे आईज जो है वो डन हो गई है, अब फेस पे आ जाते हैं। फेस मैं प्राइम कर चुकी हूँ आपके सामने, मैं फिटमी की फाउंडेशन ले रही हूँ ये, और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और ये शेड है 128। ठीक है, शेड बता दिया मैंने, देखा शेड याद है मुझे, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, जो कि निकल ही नहीं रही थी, मुश्किल से निकली है, और इस तरह से मैंने अपने फेस पे सब पे अप्लाई कर लिया। नेक पे मत भूलें, नेक भी आपकी अपनी है, इस पे ज़रूर लगाएं। अच्छा, आप लोगों को क्या मेकअप में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी, वैसे तो मुझे सारा मेकअप ही अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे जो मुश्किल लगता है वो फाउंडेशन है। आई डोंट नो वाई, मुझे फाउंडेशन लगाना बहुत मुश्किल लगता है, और सबसे इजी और सबसे मज़ेदार लगता है कंसीलर। यहाँ मैं आश्रा मेकअप का कंसीलर लगा रही हूँ नंबर 4, और ये मैंने इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई किया, और मैं हाफ फेस को पहले स्पंज से सेट कर लूँगी इस तरह से, ब्यूटी ब्लेंडर से, और ये ब्यूटी बाय आमना के ब्लेंडर्स हैं। ओ माई गॉड, दीज आर सुपर 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 सॉफ्ट, बहुत मज़ा आता है। अगर आप ने नहीं ट्राई किए उनके न्यू ब्यूटी ब्लेंडर, तो भाई आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया, ज़रूर ट्राई करें, दे आर अमेजिंग। और कोड भी है, आप कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा उनकी जो भी डील आप लेंगे। अब मैंने अपने हाई एरियाज पे अप्लाई किया, जहाँ मेरे एरियाज हाईलाइट होते हैं उन पे भी अप्लाई कर रही हूँ मैं, और ब्लेंड कर रही हूँ विद द डैम ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, ड्राई नहीं है, डैम है, क्योंकि ड्राई के साथ ना वो लुक नहीं आती है और ब्लेंड नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पे अंडर आई को सेट कर रही हूँ पाउडर के साथ, फिटमी का पाउडर था, जो कि मैंने ये दिखाया नहीं आपको, बट था फिटमी कसम से। अच्छा, यहाँ मैं बिफ अब आमना का ही ब्राउन्जर ले रही हूँ, दिस ब्राउन्जर इज़ माई फेवरेट वन। ओके, आप लोगों का कौन सा फेवरेट है आप मुझे ज़रूर साथ साथ बताइएगा, मुझे पता चलेगा, अगर कुछ नया होगा तो आई विल ट्राई दैट वन टू, बट ये वाला मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इससे ब्राउन्जिंग जो है आम रूटीन में भी करती हूँ, डेली लुक में भी मुझे ब्राउन्जिंग ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, फेस पे एक वार्म लुक देना अच्छा लगता है। सो यहाँ जनाब सेट हो रहा है अब मेरा मेकअप, और ये है ग्लैमगर बाय मैवी साकिब का ऑन द ग्लो, गेट सेट ग्लो सॉरी, और उससे मैंने अपने फेस पर ग्लो दे दिया। देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे बीबी आमना का की फ्रीडम डील, और इसमें इन्होंने मुझे एक्चुअली, ये इन्होंने मुझे प्यार सेंड किया था, और आज की लुक डेडिकेट कर रही हूँ मैं इनको, बीबी आमना को। तो मैंने ये ब्लश अप्लाई किया, ब्लश बहुत ज़बरदस्त है, कलर चेक करें आप कितना हसीन है, और इसका जो पिगमेंट है वो बहुत प्यारा है। आप लोग ज़रूर ये डील बाय कीजिए, कोड यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसी का हाइलाइटर लूँगी, हाइलाइटर बहुत ही खूबसूरत है और ब्लाइंडिंग है, ओ वाओ, आई फील लाइक मैं चमक रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है। ये दोनों हाइलाइटर मैंने मिक्स किए हैं, और आपका कौन सा फेवरेट हाइलाइटर है आप ही मुझे बताइएगा। मुझे नॉर्मली जो पाकिस्तानी ब्रांड है उसमें से वाइट का काफ़ी अच्छा लगता है, उसके बाद अभी ये है बिफर बाय आमना का, ये भी बहुत ही हसीन है, और मैं आपके सामने इसको अप्लाई कर रही हूँ, ये जस्ट फील हो रहा है कि ग्लास स्किन है मेरी, इतना खूबसूरत लग रहा है। कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की ही लैशेस अप्लाई किए हैं, जो कि इसी पैकेज में है और इसी डील का हिस्सा है, और ये बहुत खूबसूरत है। ये है डेट नाइट, इसका नाम है नंबर 9 नंबर है, तो इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत इजीली अप्लाई हो जाती हैं और बहुत दफ़ा अप्लाई हो जाती हैं। तो इसके बाद है लिप्स की बारी, और लिप्स पे मैं पहले पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं लिप्स को ड्रॉ करती हूँ, और ये एस्ट्रा की लिप पेंसिल है नंबर 34, ठीक है, और इस पे भी कोड है, कोड मैं मेंशन कर दूँगी नीचे, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे, ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत है। देन मैं यहाँ बिफर पे आमना का ये रेड लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ, उफ दिस वन इज़ सुपर प्रिटी, ओ माई गॉड, आप चेक करें, और ये मैट है तो इसकी फिनिश वेलवेटी है, आई मीन आपको इतना हसीन रेड कलर कम ही मिलेगा कहीं पे। और इसको अप्लाई कर लिया मैंने, अच्छा ये मैट है बट लिप्स को मैट नहीं करता, मतलब ड्राई नहीं करता, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और अगर आपको ग्लॉसेस पसंद हैं तो आप प्योरफाई बाय आमना के न्यू ग्लॉसेस भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत ग्लॉस है, पीच से शेड में है। ओके, और नाम है इसका डांस, सो
सो हियर आई एम विद माय कंप्लीट लुक. और आपको आज की लुक कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा, साथ साथ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएँ. अल्लाह हाफिज़.